नमस्ते, मैं निखिल प्रधान, आपका दोस्त पॉलिटिकल कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। आजकल सुर्खियों में बना हुआ एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, ये मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है। हमारी भारतीय मीडिया इस मुद्दे को ऐसे बताती है कि मानो जैसा कोई हिमालय का पर्वत पिघल गया। ये सब कुछ टीआरपी के लिए होता है, ऐसा बाकी कोई नहीं। जो न्यूज दिखानी होती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की केस की पूरी टेलीकास्ट, हरदम आप टीवी ऑन कर लीजिए और आपको मिलेगा ही। सुशांत सिंह राजपूत के घर में ये गया, सुशांत सिंह राजपूत के घर में पुलिस की टीम गई, सीबीआई की टीम गई, ये पूरा दिन भर चलता रहता है। बीते 24 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में सुसाइड किया, तब ये केस मुंबई पुलिस की जांच कर रही थी। मगर बीते 2-4 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये केस मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। जैसे ही ये केस सीबीआई के पास गया, तब महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टारगेट किया और उनसे कुछ सवाल पूछे कि आप सीबीआई ऑफिसर को क्वारंटाइन करेंगे, जैसे आपने बिहार का ऑफिसर को क्वारंटाइन किया था, वैसे आप सीबीआई की टीम को क्वारंटाइन करेंगे। मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम ने पहले बीएमसी से परमिशन ली थी, इस वजह से उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया। सुशांत सिंह सुसाइड केस में शक के घेरे में बनी हुई सुशांत सिंह राजपूत की फ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पहले पूछताछ कर ली थी। ईडी ने करोड़ों रुपए के हेराफेरी के मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है। मगर एक कमाता किस्सा सुनिए दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की पूछताछ ईडी ऑफिस में होने वाली थी, मगर उसके पहले दिन ही इंडिया के मीडिया ने रिया चक्रवर्ती से कौन से सवाल पूछेंगे ये पहले ही बता दिया था। वारे मेरी इंडिया की मीडिया, शेड्यूल है मेरा इंडिया की मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के पीछे जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि आने वाले कुछ समय में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बिहार में उठ रहा है। क्योंकि बिहार में बिहारी वोटर्स को लुभाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ऐसा मुद्दा उठा रही है, ऐसा गंभीर आरोप महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट पर लगाया है। पिछले कुछ दिनों से नेपोटिज्म का मुद्दा भी जमकर बरस रहा था, ऐसे में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड की नामी हस्तियों से पूछताछ की, मगर इसमें कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया। मगर विपक्षी पार्टियां मुंबई पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि जब सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था, हाल ही में एक लोकल चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में यह दिखाया गया कि पोस्टमार्टम के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की फ्रेंड रिया चक्रवर्ती पोस्टमार्टम रूम में मौजूद थी। इस स्टिंग ऑपरेशन सच निकला तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुशांत के घर वाले पोस्टमार्टम रूम में नहीं जा सकते थे, मगर पोस्टमार्टम रूम में रिया चक्रवर्ती कैसे गई और इसकी इजाजत उसको किसने दी, ये सोचने वाली बात है। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत नेपोटिज्म को इल्जाम लगाती रहती है। इस मुद्दे पर बहुत से बॉलीवुड एक्टर ने नेपोटिज्म का गंभीर इल्जाम लगाया है। नेपोटिज्म का ही साइड इफेक्ट, हाल ही में सड़क टू का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। सड़क टू का ट्रेलर को 1.5 करोड़ से ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। ये भारत का सबसे बड़ा डिसलाइक मिलने वाला वीडियो है। सुशांत सिंह के फैन ने बता दिया है कि स्टार किड को उन्होंने बॉयकॉट करना चालू कर दिया है। मेरे दोस्तों, एक बात सोचने वाली है, मेरे दिमाग में काफी दिनों से वो बात चल रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ी नामी हस्ती थी, उनकी सुसाइड केस की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी। मगर इंडिया में ऐसे कितने किसान हैं जो रोज सुसाइड करती है, मगर इसकी आवाज ना कोई इंडिया का मीडिया का न्यूज चैनल उठाता है, ना ही कोई पॉलिटिशियन।
डिसाइड सुसाइड करते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मेरा कहना ये नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच सीबीआई को हैंड ओवर कर दी है। मेरा कहना ये है कि सीबीआई सुसाइड केस की मिस्ट्री को सॉल्व करे। मगर बीते कुछ वर्षों पहले महाराष्ट्र की जानी मानी हस्ती सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके गोपीनाथ मुंडे, जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनकी जांच सीबीआई को हैंडओवर नहीं की। महाराष्ट्र और अदर स्टेट से आवाज उठ रही थी कि मुंडे साहब की कार एक्सीडेंट की मिस्ट्री को सीबीआई को हैंडओवर कर दी है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक सोशल वर्कर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुए 6 साल हो गए, वो केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, मगर वो केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मगर आने वाले दिनों में ये देखने पड़ेगा कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में और कोई नया ट्विस्ट आता है कि नहीं। अगर कोई नया ट्विस्ट आता है और वो क्या है, ये हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें।